सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आप सभी का वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर। तो अभी जो है मैं हूँ यहाँ पे जो मॉस्को का एयरपोर्ट है, वैंकूवर एयरपोर्ट, वैंकूवर VNQ एयरपोर्ट है, मैं नाम यहाँ पे लिख दूँगा। तो यहाँ पे आ रखा हूँ। अभी एक भाई आया है जो इंडिया से आया है और उसको जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग जाना है भाई को। तो मैं यहाँ पे आया हूँ भाई को रिसीव वगैरह करने, और पीछे देख सकते हो भाई खड़ा है। अभी बातचीत करते हैं भाई से, कैसा क्या जो है वो इमिग्रेशन का प्रोसेस रहा भाई का, कैसे क्या क्या पूछा उन्होंने, और उनकी जो एयरलाइन थी ना, मैं कह रहा था ना आपको कि भाई आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि आप एरोफ्लोट से ही आओ, दूसरी फ्लाइट से भी जो है आप आ सकते हो। तो जो है आप वहाँ पर, ये भाई आया उज़्बेकिस्तान एयरलाइन से जो अपना दिल्ली से तास्किन, तास्किन से जो है यहाँ पे मॉस्को में। तो भाई से पूछते हैं कैसा क्या उनका जो इमिग्रेशन का प्रोसेस रहा, और सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपसे बताता हूँ कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल में अभी मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ, तो चलो भाई से पूछता है भी, और आप भी एक्सपीरियंस वगैरह ले अपना कैसा क्या है सारी चीज़ों का, तो जो है मैं वो शेयर करता हूँ आप सभी के साथ। यहाँ पे देखो ये ऐसा एयरपोर्ट है, और यहाँ पे जो है ये फ़्लाइट की सारी डिटेल शेयर की हुई है, अराइवल्स की देखो यहाँ पे आ गई, और सेंट पीटर्सबर्ग के यहाँ पे इस्तांबुल की। तो देखो यहाँ पे ये फ़्लाइट वगैरह का लिखा हुआ है, एग्जिट टू एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट है। अभी चलते हैं नीचे, देखो यहाँ पे एग्जिट टू सिटी और सारे सब कुछ लिख रखा है, एक्सप्रेस ट्रेन मेट्रो की। तो चलते हैं एक बार यहाँ पे और नीचे चलते हैं, भाई नीचे खड़े हैं तो नीचे मिलते हैं। तो भाई नीचे खड़ा है और अभी बातचीत करते हैं भाई से कि कैसा कह रहा है, मैं आपको भी बताऊंगा। जो स्टूडेंट सेंट पीटर्सबर्ग आ रहे हैं तो वो भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पूछेंगे भाई से कैसा क्या जो है वो इमिग्रेशन का प्रोसेस वगैरह रहा भाई से। तो हेलो भाई, कैसे हो? बस बढ़िया भाई, कैसे रहा आपका इमिग्रेशन प्रोसेस? कैसे अच्छा अच्छा इमिग्रेशन में अभी कोई दिक्कत नहीं है? वो डॉक्यूमेंट तो होंगे आपके पास सारे, जो भी कॉलेज वगैरह के सारे जो चीज़। और कौन सी सिटी आपकी? अच्छा अच्छा यूपी बरेली, और मोस्ट यहाँ पे रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग सिटी जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं भाई चलो। और दिल्ली एयरपोर्ट पे कैसे क्या पूछा उन्होंने? भी कुछ इतना नहीं पूछा, डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कॉलेज में, मेरे पासपोर्ट मांगा था और टिकट देखते हैं बस, नॉर्मल से बस। अच्छा, और कहाँ जाना है, क्या करना है, हाँ हाँ पूछा, उसके बाद कोई इतना इशू नहीं, कोई पूछा। और आपकी एयरलाइन तो उज़्बेकिस्तान वाली होगी, इनडायरेक्ट फ्लाइट थी ना आपकी? अच्छा अच्छा, कितने घंटे का था लेवर वहाँ पे? 12 घंटे का। ओ भाई लेट था, चलो कोई नहीं, सही है, चलो सेफली पहुंच गए यहाँ पे। और अभी चलते आगे और फिर अपनी जो है ट्रेन वगैरह देखते हैं अपने सेंट पीटर्सबर्ग की, फिर आगे हो जाएगा सही। तो थैंक यू भाई, आओ पढ़ो आराम से। सो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया होगा भाई से मज़ेदार, क्योंकि यार देखो ज़्यादा अपन पूछ नहीं सकते, जो जो था मेन इंपॉर्टेंट वो भाई ने बता दिया कि भाई जो फिलहाल इमिग्रेशन का चल रहा है तो वो चल रही है ये इमिग्रेशन की। तो बाकी आगे जैसे ही होता है मैं बताता हूँ, और भाई का इमिग्रेशन भी अच्छे से क्लियर होगा तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आई। और फिर ये था, तो ये था यार इस वीडियो के अंदर, भाई का जो है वो कॉलेज है सेंट पीटर्सबर्ग में, तो भाई सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे हैं तो आप भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इस वीडियो के अंदर, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।